सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठों वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुछ लोग। हम उनसे बात करेंगे कि जो देश में इस समय सियासत हो रही है या देश में इस समय जो मुद्दे उछाल पर हैं, जैसे मान लीजिए संजय सिंह जो सांसद हैं आप पार्टी के, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी के, जो अबू आज़मी पे कल परसों में जो छापे पड़े हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई विपक्ष के नेता पे छापे पड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आपके चैनल पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आज का जो माहौल है तो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है एक लखनऊ के बहुत मशहूर, और लखनऊ क्या पूरे देश और विदेशों के मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना साहब, उनका एक शेर है, हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। ये उनका शेर है मुनव्वर राना साहब का। अब बात आ रही है जो देश के अंदर, कि देश के अंदर क्या एक तरह का किस तरह की ये माहौल बनाया जा रहा है। अब सुनिए, देश के अंदर जो एक माहौल चल रहा है कि सरकार बनाम विपक्ष, सरकार में जो लोग बैठे हैं ये पूरी तरीके से अपने दादागिरी के बल पे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जिस तरीके से भी, क्योंकि एक बीजेपी का एक सीधा मामला ये है कि अगर आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो और भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, तो आप समझ लीजिए उनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल देंगे और आप बिल्कुल स्वच्छ छवि के इंसान बन जाएंगे। आज जिस तरीके से मान लिया ईडी, इनकम टैक्स, जो चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब हों या समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब हों, या उनके जैसे तमाम लोग को जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को सत्ता पक्ष के लोग प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। संजय सिंह हो या अबू हाशिम आजमी साहब हो या समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब हो, इनके जैसे तमाम लोगों को, इनके शैतान का इतना काम है, शैतान परेशान तो कर सकता है, हलाक कर सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पूरी शैतानी पर उतारू है। इसका जवाब देश की आवाम 2024 को वोट के जरिए देगी, क्योंकि आज जो कठपुतली रट्टू तोता सीबीआई और इनकम टैक्स के बनी बैठी है, कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए कहा है कि जिस तरीके से जब तुम्हारे पास कोई मनीष सिसोदिया का जो एक मामला चल रहा है उसमें कहा, जब आपके पास चार्ज लगाया, कोई साक्ष्य इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, पहले सुनिए, साक्ष्य दे नहीं पा रहे हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, जब आपके पास साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं पेश कर पा रहे हो, तो क्यों इस तरीके का काम करते हो? तो ये सब इनका एक विपक्ष को दबाने का काम है, डराने का काम है। लेकिन जितने विपक्ष में हैं दल शामिल इंडिया गठबंधन में, कोई दल इनसे आज की तारीख में डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश की आवाम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ 2024 में इनको वोट के बदले, वोट से इनको चोट करके इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा, तब देश का आज अभी ये इनसे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ये पूछिए कि स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है,
तो ये सिर्फ क्या ले आएंगे, हिंदू और मुसलमान को। अब तो एक इन्होंने नया फंडा इस्तेमाल कर लिया है, मुसलमानों में एक पसमानदा समाज, पसमानदा को लिया है, जबकि मुसलमानों में सिर्फ जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान है। अब तो अभी तक की ये हिंदू और मुसलमान की बात करते थे, लड़ा करके ओढ़ लेते थे, लेकिन अब इस बार इन्होंने एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया, पसमानदा मुस्लिम समाज। पसमानदा का इनसे अगर मतलब पूछो तो इनको नहीं पता है, लेकिन ये मुसलमानों को जिस तरीके से बलगनाने काम कर रहे हैं, देश का प्रदेश का कोई भी मुसलमान, बहुत ही अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई आज की तारीख में जाने वाला नहीं है, लेकिन इनके बलगलाने से देश का प्रदेश का आवाम पूरी तरीके समझ चुकी है, अब इनके बहकाने में कोई नहीं आने वाला है। और 2024 में इंडिया गठबंधन देश के अंदर एक मजबूत सरकार बन करके देश का और प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। तो अभी जैसे आपने देखा कि इस समय माहौल इतना गर्म है, लेकिन अब इस पर सियासत भी की जा रही है कि ये एक विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक तरह से केवल झूठे मुकदमे लगा के फंसाए जा रहे हैं। तो अब 24 में क्या लग रहा है, 24 में चुनाव हो रहा है, ठीक है, क्या सरकार एक बार फिर से विपक्ष की आ रही है या बीजेपी ही रहने वाली है? देखो, अब आप इतना समझ लो, काट की हांडी बार बार नहीं चलनी है। इन्होंने 14 में जनता को गुमराह करके, जनता से झूठ बोल करके कहा कि मैं 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। आज तक आप बता दीजिए, अगर आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है तो आप बताइए, आया है? आया? वो तो उसमें तो अमित शाह ने स्टैंड लिया, अमित शाह, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, उस पर अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक जुमला था, किसी के खाते में 15 लाख नहीं जाने वाले, ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वो सारे जुमले हैं, सारे जुमले, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब तक इनका एक झूठ कोई सच साबित करने में, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठों वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जितना मर्जी आज झूठ बोलें, इनके झूठ को देश की आवाम समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में देश की आवाम नहीं आने वाली है। और ये अभी मैंने फिर आपके चैनल पर कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जितना जनता को ये बेवकूफ बनाना था, जब इनके लिए हर चीज़ जुमला ही है, तो फिर इनके बात का कौन सा भरोसा है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि अब कुछ नहीं, इनके जुमलेबाजी में नहीं आना है। अब जो उसको हम वोट करेंगे, जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, आज देश का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा, ग्रेजुएट डिग्रियां लादे हुए पीठों पर शहर के अंदर घूम रहा आदमी, रिक्शा चला रहा, इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, किसी एक आदमी को रोजगार नहीं दे सकते। आप स्वास्थ्य की बात के लिए आज की तारीख में ले लीजिए, चाहे आपका लोहिया हॉस्पिटल हो, जिसको समाजवादी पार्टी के संरक्षक मरहूम आली जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने बहुत दिल लगा कर इसको बनाया था, जहां पर हजारों की तादाद में लोग 1 रुपए का पर्चा बनवा करके अपना ट्रीटमेंट कराते थे, आज वहां न डॉक्टर हैं न दवाइयाँ मौजूद हैं। यही हाल सिविल हॉस्पिटल का है, यही हाल बलरामपुर हॉस्पिटल का है। जब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटलों का ये हाल है, तो फिर अन्य पूरे प्रदेश की आप लगा लीजिए। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो सिर्फ दौरा मंत्री हैं, जितनी देर अस्पतालों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर रहेंगे, उसके बाद जहाँ वो स्वास्थ्य मंत्री जी बाहर निकले, डॉक्टर अपने घर को, मरीज अपने घर को, इस तरीके के सारी जुमलेबाजी की बातें हैं। तो ये थे मोहम्मद अकील खान, इन्होंने अपनी बड़ी बेबागी से अपनी बात रखी, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो या ईडी का मामला हो या किसी भी मुद्दे पर, इन्होंने अपनी बड़ी बेबागी से बात रखी कि देश में माहौल ऐसा बनाया गया है केवल हिंदू मुस्लिम कर जा रहे हैं, हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन अब पूरी आवाम, पूरी जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, अब 24 में बदलाव होने जा रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, लखनऊ।